Hello, my dear children. On the last turn, we have completed this drawing. Okay, and in the homework, we have completed this one. Now, today, I'm just going to teach you about the leaves. Okay, about the leaves drawing, the how to draw a leaf drawing. So, there is a four types of leaf are given in this page, the page number 22. So, today, we will discuss about that page. Okay, so what we have to do, first of all, we have to draw all four leaves in our drawing sheet. For that, what we have to do, first of all, we have to divide it our A4 size file in four parts. Okay, जो हमारी A4 size की file है, उसे हमें पहले four parts में divide करना है, like this. Okay, इस तरह से हम फोर पार्ट्स में अपने पेज को डिवाइड कर लेंगे आफ्टर ड्राइंग द आउटलाइन. ओके, यानी कि हमें चारों तरफ पहले आउटलाइन करनी है पेज की और उसके बाद में हमें इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फर्स्ट लीफ. ओके, कि हमारी किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती हैं, उसमें से सबसे पहले जो लीव है मैं उसको ड्रॉ करना आप लोगों को बताऊंगी. तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, देर आर द एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स आ देयर. तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द मेन स्टेम ऑफ दिस लीव. ओके, I have drawn the main stem. Then afterwards, we have to divide this stem in seven parts. Okay. हमें seven parts में इस stem को divide करना है. See here girls, it's divided in seven parts. अब हमें हर स्टेम के अंदर एक लीफ को ड्रॉ करना है. See how? सबसे पहले हम लीफ का शेप देंगे. इस तरह से हम जितने भी हमारी स्टेम्स हैं सबके अंदर पहले लीफ का शेप दे लेंगे. ओके, इस तरह से हम सारी लीव्स को शेप देंगे पहले. See here girls, I have given the all shapes. Okay, then what we have to do, we have to draw the all cuts. See here how to draw the cuts of leaf. Okay, किस तरह से हम leaf के cuts को draw करते हैं. तो सबसे पहले हम इस तरह से right side से leaf के cut को बनाना शुरू करेंगे. यानी कि पहले हम leaf का shape देंगे. Leaf का shape देने के बाद हम इस तरह से सारी leaves के cut को बनाएंगे. Okay, then we have to draw the middle lines like this. We have to draw the all middle lines like this. It's an alternative line. Okay, हमें एक साथ सारी lines को draw नहीं करना है. It is a alternative lines. Got it? So I'm just going to draw the all leaves. See here, girls. The all leaves are drawn. Okay, now I'm just going to draw the second leaf. It's given here. It is a banana leaf. How to draw this leaf? I'm just going to show you. The first of all, you have to draw a curve shape line like this. A big line you have to draw. Okay. Then what we have to do? We have to draw the one more line like this. इस तरह से हमें दो lines को आपस में joint करना है. Then how to give the shape of this line? सबसे पहले इसके लिए हम middle में एक line करेंगे. हमने इस तरह से मिडिल में एक लाइन की. उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारी नीचे की तरफ की लाइन है इसको हम इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन अ पार्ट्स, क्योंकि इसके जो लीव्स के जो नीचे के पार्ट होते हैं वो इस तरह से पार्ट्स में बटे हुए होते हैं. ओके, वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. देन इन द नेक्स्ट लीव आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द कनेर लीव. कनेर लीव के लिए भी हम सेम ऐसे ही पहले एक बड़ी लीव ड्रॉ करेंगे.
हम इसको इस तरह से एक स्टेम के अंदर ज्वाइन करेंगे। पहले इसको हम स्टेम के अंदर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें इतनी मोटी लीफ ड्रॉ नहीं करनी है, हम बहुत पतली सी लीफ ड्रॉ करेंगे जो कि कनेर की पेड़ की होती है। ओके, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मिडिल में हमें इस तरह से लाइन कर देंगे। ओके, हमारी ये वाली जो लीफ है ये भी आपकी ड्रॉ हो चुकी है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द अनदर टाइप ऑफ लीफ। इसमें क्या है कि इसमें हमें सिर्फ इस तरह से दो लाइंस बनाने हैं और उन दो लाइंस के अंदर हमें ये छोटे छोटे बर्ड टाइप में लीफ को ड्रॉ करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द फोर्थ नंबर, वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट द टू लाइन लाइक दिस, देन वी हैव टू ड्रॉ सम स्मॉल स्मॉल लाइन लाइक दिस, and here also we have to draw the same small lines. अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटे छोटे ओवल शेप्स की बर्ड फॉर्म में लीव्स को ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके गर्ल्स, नाउ सी गर्ल्स, आफ्टर मेकिंग द ऑल लीव शेप्स आई एम जस्ट गोइंग टू complete and give the final touch by it a pen. Okay, a black color pen I have taken. Now I'm just going to tell you how to give a shade effect by a pen. Okay, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी outline करेंगे। First of all give the outline of this leaf. हमें हर leaf को ऐसे ही ready करना है कि सबसे पहले हमें उसकी outline बनानी है। Outline बनाने के बाद से पहले ये हमारी यहाँ से, अब ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी पेन से, इसी ब्लैक कलर पेन से हम इसको शेड इफेक्ट देंगे बाय गिविंग अ स्ट्रोकिंग इफेक्ट। ओके, स्ट्रोकिंग इफेक्ट के जरिए हमारी जितनी भी लीव्स हैं, जितनी भी हमारी शेप्स हैं, उसको हम इस तरह से शेड इफेक्ट देंगे एंड वी हैव टू कंप्लीट लाइक दिस। ओनली दिस वे वी हैव टू कंप्लीट द ऑल लीव्स। We have to give only the stroke effect. Okay, सारी leaves को complete करने के लिए हमें सिर्फ stroke effect का ही use करना है। Like this we have to complete the all leaves. इसी shape से हमें सारी leaves को complete करना है। Okay, now see here girl, we have to complete this leaf by the same shade. Okay, now I'm just going to tell you how to complete this leaf. So first of all we have to start with the same method. First of all we have to draw the outline of this leaf. Okay, सबसे पहले हमें इसकी क्या करनी है, outline करनी है। जो भी इसका shape है वो हमें बनाना है। Then what we have to do after making the outline and inside line, हमें इसका अंदर का भी पूरा जो structure है, जो skeleton है इसका, वो रेडी करना है विद द सेम ब्लैक पेन। ओके, ब्लैक इंक और ब्लैक पेन, वट एवर पेन डू यू वॉन्ट टू यूज, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ पेन, बट यू हैव टू टेक अ ब्लैक शेड ओनली। ओके, नाउ वट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव अ शेड इफेक्ट लाइक दिस। जैसे कि हमने इसमें ऊपर से अंदर की तरफ स्ट्रोक इफेक्ट दिया, यहाँ पर हम अंदर से ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रोक इफेक्ट देंगे। ओके, हमें सिर्फ इस लाइन के ऊपर इस तरह से स्ट्रोक इफेक्ट देना है। ओके गर्ल्स, नाउ सी हियर गर्ल, दिस लीफ आल्सो कंप्लीट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द अनदर लीफ। नाउ द फॉर द बनाना लीफ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटलाइन। ओके, आई हैव टू कनेक्ट लाइक दिस एंड यू हैव टू गिव सम अनइवन शेप टू दिस बनाना लीव लाइक दिस। ओके, हमें क्या करना है कि हमें इसको थोड़ा सा अनइवन शेप देना है।
After making the line, what we have to do, first of all, I'm just going to give the effect inside line. पहले जो हमारी अंदर वाली लाइन है उसके अंदर हम इस तरह से इफेक्ट देंगे. वी हैव टू गिव अ वेरी स्मॉल इफेक्ट. गिव इनसाइड लाइन लाइक दिस. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द शेड इफेक्ट इन दीज लाइंस. ओके, जो हमने अंदर की कट ऑफ वाली लाइंस बनाई हैं, इन कट ऑफ लाइंस के अंदर भी हम इनको थोड़ा सा, पहले तो ट्राइंगल इफेक्ट देंगे इस तरह से. ट्राइंगल इफेक्ट देने के बाद में हम अंदर की तरफ से स्ट्रोक इफेक्ट से इसे कंप्लीट करेंगे. ओके, लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट इनसाइड स्ट्रोक इफेक्ट. लाइक दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर. ओके, नाउ सी हियर, वी हैव टू कंप्लीट द बनाना लीव लाइक दिस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस लीफ ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द सेम थिंग. वी हैव टू आउटलाइन दिस whole structure with a black pen. Now see here girl, I have outlined this whole structure. Now afterwards what we have to do, we have to give a stroke effect like this. We have to fill the all oval shape leaf fill like this only. Okay, we have to give only a small stroke effect inside the all buds or leaf. Okay, we have to complete the this structure as it is. Okay girls, now we have to complete this one also. Okay, now we have to complete the all four leaf structure with the same ink pen. Okay, hum same ink pen se by giving a stroking effect we have to complete the all leaf. Got it everyone? And now what you have to do, in the first page you have to complete this one, in the next page you have to complete this tree. Okay, aapko ye wala tree banana hai with the sketch pen. Okay, you have to give a effect by the sketch pen, black sketch pen only. Okay, you have to complete this drawing in homework. Okay, it's mean you have to complete the two pages. The first of all you have to complete this page, and next page you have to complete this one also with the black sketch pen. Got it everyone? And you have to complete your this drawing as it is same, and both drawing you have to complete in your drawing file only. Got it everyone? On next turn I will send the next drawing. By the time, God bless you. Bye bye girls.